हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रगति। वेलकम बैक टू माय चैनल अपडेट्स फ्रॉम प्रगति। और मैं हूँ प्रगति। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ डीआईवाई इयररिंग्स। और ये इयररिंग्स बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जो ये इयररिंग्स पहने हुए हैं, ये मैंने डीआईवाई करके बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने ये इयररिंग्स कैसे बनाए हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इयररिंग्स को बनाने के लिए मैं यहाँ पर बटन का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास कुछ पुराने बटन्स पड़े हुए थे। देन उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक कलर का। इसमें इसको मैं रेड कलर से कोट कर रही हूँ। एक कोट ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं सेकंड कोट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डार्क रेड कलर चाहिए था। ये दोनों कलर होने के बाद इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। दोनों बटन्स के ड्राई होने के बाद हम इसमें ग्लू गन की हेल्प से पीछे स्टिक्स लगा देंगे। दोनों बटन्स में स्टिक्स लगाने के बाद ये देखिए हमारे इयररिंग्स अब रेडी हो चुके हैं। ये देखने में कुछ इस तरीके के लगेंगे। देखिए हमारे रेड कलर के बटन इयररिंग्स रेडी हो चुके हैं। सेकेंड इयररिंग्स को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर के फ्लावर्स का यूज़ कर रही हूँ। ये पुराने फ्लावर्स मेरे पास रखे हुए थे, उन्हीं से मैं ये इयररिंग्स बनाऊँगी। इसमें बैक साइड में हम ब्लैक कलर के कपड़े को ग्लू गन की हेल्प से चिपका लेंगे। पीछे से प्लेन ब्लैक कलर का कपड़ा इसमें लगा लेंगे। ये लगने के बाद हम इसमें स्टिक्स लगा लेंगे। ये देखिए मेरे पास ये स्टिक्स हैं, इनको पीछे हम इनमें ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे। कोशिश कीजिएगा आप भी होल्डिंग स्टिक को चिपकाने के लिए ग्लू गन का यूज़ कीजिएगा। ग्लू गन के यूज़ करने से ये आसानी से निकलती नहीं है। तो देखिए ये इयररिंग्स भी हमारे 2 मिनट्स में रेडी हो चुके हैं। इनके लुक को और इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें वाइट रंग के पर्ल्स को बीच में चिपका दूँगी। तो देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। बिल्कुल सिंपल और ईजी ट्रिक से हमारे ये इयररिंग्स भी रेडी हो चुके हैं। तो देखिए इनका फाइनल लुक। थर्ड नंबर के इयररिंग्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अपने पुराने टूटे हुए इयररिंग्स का यूज़ किया है। इसके ऊपर के पार्ट को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर बटन्स का यूज़ कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर फैब्रिक कलर का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने मजेंटा कलर के फैब्रिक कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, या इसको वाइट भी रख सकते हैं ऐसे ही। आई थिंक हम इनको वाइट कलर का ही रखते तो ये और भी ब्यूटीफुल लगते, बट मैं इसमें एक में कलर कर चुकी थी तो मैंने दोनों में इनमें मजेंटा कलर का यूज़ किया है। जब तक वो इयररिंग्स हमारे ड्राई हो रहे हैं, तब तक हम फोर्थ इयररिंग्स को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट शीट का यूज़ किया है। ये थोड़ी थिक ट्रांसपेरेंट शीट है और मैंने यहाँ पर वाइट रंग के पर्ल का यूज़ किया है। ये पर्ल जो मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लैट सरफेस है नीचे से इनका, तो आप भी कोशिश कीजिएगा नीचे से जिनका फ्लैट सरफेस हो उसी पर्ल का यूज़ कीजिएगा। मैं इन इयररिंग्स को ट्राइंगल शेप में बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई और शेप भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर शेप और ओवल शेप में भी इन इयररिंग्स को बना सकते हैं। उसके बाद किसी भी ग्लू की हेल्प से इन सारे पर्ल्स को हम इसमें चिपका लेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनमें से सब बेस्ट इयररिंग्स आपको कौन से लगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इन सभी इयररिंग्स को मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में अपने ड्रेसेस के साथ स्टाइल्स करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए हमारे ट्रायंगल शेप के पर्ल इयररिंग्स भी रेडी हो चुके हैं। उसके बाद हमारे ड्राई हुए मर्जेंटा कलर के इयररिंग्स को भी हम ग्लू गन की हेल्प से चिपका लेंगे। तो देखिए हमारे पर्ल इयररिंग्स रेडी हो चुके हैं। अब इन मर्जेंटा कलर के इयररिंग्स को हम रेडी कर लेते हैं। ग्लू गन की हेल्प से ये चिपकाने के बाद ये भी रेडी हो जाएंगे। तो कंप्लीट होने के बाद देखिए इनका फाइनल लुक। देखने पर कोई भी नहीं कह सकता है कि इनमें हमने बटन्स का यूज़ किया है, ऊपर से मैंने इनमें पर्ल्स भी लगा दिए हैं। नेक्स्ट इयररिंग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर यू क्लिप का यूज़ किया। ये कलरफुल यू क्लिप्स हैं। ये यू क्लिप्स मेरे पास काफ़ी टाइम से रखी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इनका यूज़ किया जाए। इन यू क्लिप को यूज़ करके आप बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से इयररिंग्स बना सकते हैं। इन इयररिंग्स की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने एक इयररिंग्स को बनाने के लिए 4 यू क्लिप्स का यूज़ किया है। ये मैंने सिंगल कलर्स में बनाई है, नेक्स्ट मैंने मल्टी कलर्स में बनाई है। लास्ट इयररिंग्स को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट शीट और मेरे पास ये कुछ पुराने सिल्वर स्टोन पड़े हुए थे उनका यूज़ कर रही हूँ। इन स्टोन्स को मैं इनमें चिपका लूँगी। उसके बाद ये इयररिंग्स भी हमारे रेडी हो जाएंगे। ये भी बहुत सिंपल और इजी तरीके से आप इन इयररिंग्स को रेडी कर सकते हैं। आपके पास किसी भी कलर के स्टोन्स पड़े हों, एक ही कलर के, मल्टी कलर के, उनका यूज़ करके आप ये इयररिंग्स बना सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से हमारी ये इयररिंग्स भी रेडी हो चुके हैं। देखिए इनका फाइनल लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।